हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 जनवरी 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर। तो खबरें क्या रही हैं आपकी? पहला ये रहा, फॉरेन एनवॉय इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन अ फैक्ट फाइंडिंग विजिट। तो आफ्टर फाइव मंथ्स के बाद लगभग आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि हमारी मोदी गवर्नमेंट ने फॉरेन एनवॉय को परमिशन दी है कि वो जम्मू कश्मीर में आए और फैक्ट फाइंडिंग करें कि आर द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर आर सेटिस्फाइड बाई रिमूविंग द आर्टिकल 370 और नॉट। ठीक है, और इसमें क्या है, आपके कितने हैं? 50 मेंबर हैं इसमें। टोटल डेलीगेशन अराइव इन श्रीनगर, 2 दिन के लिए आए हैं, और लगभग ये लोग कितने लोगों से बात करेंगे? 100 लोगों से बात करेंगे। ठीक है, और इसमें ज्यादातर जो आपके मेंबर्स हैं वो आपके एशियन कंट्रीज के हैं। ठीक है, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के। ठीक, नेक्स्ट आपका जो एनजीटी है, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने एक ऑर्डर पास किया है कि फाइंड आउट वेदर ऑटोमेटेड प्लांट्स कैन एड्रेस पोल्यूशन। व्हाट इज ऑटोमेटेड प्लांट? ऑटोमेटेड प्लांट क्या होते हैं? जहां पर बाय द प्रोसेस ऑफ पायरोलाइसिस। अब देखो ये को पायरोलाइसिस वर्ड कहां एग्जाम में आ सकता है? आपके प्रीलिम्स के साइंस वाले सेक्शन में। इज अ मेथड ऑफ रिसाइकलिंग ओल्ड टायर्स थ्रू अ थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट। तो अगर एग्जाम में आया कि पायरोलाइसिस क्या हो गया, तो पुराने टायर को नए टायर बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं। तो उसमें आपका एक हुआ है कि भाई क्या एक एनजीओ है सेफ, उसने बोला है कि इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो भाई एनजीटी ने ऑर्डर दिया है कि पता करो पायरोलाइसिस से पोल्यूशन होता है कि नहीं होता है। किसको दिया है? ये आपका सीपीसीबी की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब आपके लिए असाइनमेंट ये है कि सीपीसीबी के फंक्शन एक बार पढ़ लेना, और दूसरा आपका पायरोलाइसिस की प्रोसेस पढ़ लेना एक बार। अगला चलते हैं, एक प्लीट दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में अबाउट दी सीएए को लेकर। तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि बोर्डबे साहब ने बोला है, शरद बोर्डबे साहब ने, कि पहले जो ये हमारे जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है ऑल ओवर द इंडिया अगेंस्ट द सीए, पहले वो बंद हो, उसके बाद हम सोच सकते हैं इस बारे में। ठीक है, और उन्होंने साथ में कहा है, कंट्री इज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम, देयर हैज बीन सम वायलेंस, एंडेवर नाउ शुड बी फॉर पीस, सच पिटिशन डोंट हेल्प। मतलब उनका कहना है कि भाई सीसीए के जो भी अगेंस्ट में आकर ये पिटिशन डाल के सोचते हैं कि वायलेंस रुक जाएगा, तो गलत बात है। ठीक है, अगला आपका, डिक्लेयर गोवा सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व एक्टिविस्ट। असल में क्या है, अगर इसको हमको न्यूज को देखें तो आपका द डिमांड, ये कब डिमांड आई कि असल में चार टाइगर थे जो कि महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी गोवा में, वहां पर उनकी क्या हो गई, आपकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वहां के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो आपका ये महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको एज अ प्रोजेक्ट टाइगर के तो अंडर में लिया जाए, और टाइगर्स जो भी हैं वहां पर प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है, तो अब देखो आपको सर्च क्या करना है। पहला ये करना है कि महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गोवा में तो है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, एक तो ये सर्च कर लेना। या अब हमने ये नाम पढ़ ही लिया है तो एग्जाम में आ सकता है कि महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है, तो आप ठीक करोगे गोवा। ठीक, दूसरा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्रोजेक्ट टाइगर डिक्लेयर करना, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट सेंचुरी डिक्लेयर करना किसका अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंटर का, ये पता करना। ठीक है, दूसरा गोवा के सीएम ने कहा कि अगर इन केस करना पड़े तो हम रेजिडेंट विल बी रिलोकेटेड। ठीक, अगला लेते हैं। हाँ जी, तो ममता टू स्किप अपोजिशन मीट ऑन सीएए। ममता बनर्जी ने जो सीए की ऑल एंटी पार्टी ऑन मतलब अपोजिशन पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उनका मेन बड़ा अपसेट थी कि सीएम अपसेट ओवर वॉलेंस बाय लेफ्ट एंड कांग्रेस पार्टी। ठीक है, असल में वो लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का भारत बंद था, तो उसमें बहुत वॉलेंस हुआ, तो वो इससे थोड़ी सी खफा थी। अब देखो अपोजिशन में ही जो है वो क्या नहीं हो पा रही, यूनिटी नहीं हो पा रही है। अगला ये रहा, इंडिया श्रीलंका होल्ड प्रोडक्टिव टॉक्स। असल में श्रीलंकन के जो है आपके मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ आए हैं, और ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर राइट विद श्रीलंकर फॉरेन मिनिस्टर दिनेश है ना उनके साथ। तो मेन तौर पे बात ये, श्रीलंका वांट व्हाट, सीक सपोर्ट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, ये दो चीजों पे श्रीलंका भारत की क्या चाह रहा है, मदद चाह रहा है। ठीक, और अब एज यूजुअल है कि इंडिया इसके लिए राजी होगा। अगला आपका ये है, जो आपका ईरान प्लेन क्रैश यूक्रेन टू प्रो पॉसिबल मिसाइल स्ट्राइक। जो ईरान में अभी अटैक हुआ उस पर कुछ एलिगेशन ये लग रहे हैं कि शायद ईरान ने खुद उसको गिराया, तो यूक्रेन चाहता है कि भाई क्या हो उस पर कोई एक प्रोब हो, यानी कि इन्वेस्टिगेशन हो, क्या ये सच था। और खुद अमेरिका ने भी एलिगेशन लगाया है कि ईरान में हैव डाउन प्लेन्स। ठीक है, अब पता नहीं क्या सच्चाई है। तो मैंने आपको पिछले जो आपका वीडियो था उसमें कहा था कि सर्च कर लेना कि जो ये टेक ऑफ प्लेन किया था ईरान से वो किस एयरपोर्ट से किया था।
अगला ये रहा MPs approve Brexit bill, UK set for January 3rd exit, यानी कि फाइनली आपका UK जो है, UK में कितनी कंट्रियां हैं, चार कंट्रियां हैं, मैंने पहले भी बताया था, सर्च करना, 31 जनवरी को क्या हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहे हैं, ठीक है, देखो लिखा है, ब्रिटेन पास अ मेजर माइलस्टोन ऑन द रोड टू ब्रेक्सिट विद द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन थर्सडे अप्रूव्ड अ बिल, बहुत इंपॉर्टेंट है हाउस ऑफ कॉमन्स, और दो है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा क्या है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, तो यानी कि ऑफिशियल डेट क्या होगी अब 31 जनवरी। अगला आपका ये है भाई ई कार की दौड़ में एक और नई कार आने वाली है, महिंद्रा टू अनवील ई KUV इन फर्स्ट क्वार्टर 2020। सबसे बड़ी बात जो इसकी कीमत रखी जाएगी लेस देन 9 लाख रुपीज, ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा महिंद्रा मैंने, क्योंकि अभी जो आ रही है हुंडई की 25 लाख की आ रही है, टाटा की जो नेक्सॉन है वो लगभग 15-16 लाख की आ रही है, और ये आपकी 9 लाख से लेस देन, तो ये एक मिडिल क्लास के लिए अच्छी कार हो सकती है, ठीक है। अगला आपका इसमें मैं पहले भी असाइनमेंट देखूंगा इन कारों में कौन सी बैटरी लगी होती है, लिथियम बैटरी लगी होती है, तो थोड़ा पढ़ लेना उसके बारे में। अगला ये रहा यूरोपियन काउंसिल चीफ डिफेंस ईरान डील आफ्टर ट्रम्प कॉल टू क्विट, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन हमें क्या मिला, चार्ल्स माइकल क्या है हेड ऑफ दी व्हाट यूरोपियन काउंसिल, दूसरा हमको यहां क्या मिला JCPOA एग्रीमेंट के बारे में बात हुई इस न्यूज में, तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं तो JCPOA क्या है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये बनाया गया था ईरान को लेकर कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको या तो कैंसिल करवाया जाए या तो वहीं पे स्टैग्नेट कर दिया जाए, और ये जो JCPOA थे आफ्टर एफर्ट्स ऑफ द 10 ईयर्स 14 जुलाई 2015 को साइन हुआ था, किसके बीच में, ईरान एंड P5+। अब यहां एग्जाम में आएगा कि भाई ईरान तो समझ में आ गया, P5 क्या होगी, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो यहां से क्वेश्चन के बन सकते हैं चाइना है और फ्रांस रशिया यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, अब प्लस वन कौन सी है, जर्मनी है, याद रहेगा, तो एग्जाम में आ सकता है कि JCPOA में प्लस वन कौन सी कंट्री हो गई, जर्मनी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं IRDA स्लैब्स 1 करोड़ पेनल्टी ऑन चोला मंडलम MS, ये 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि इसके ऊपर एलिगेशन क्या लगा है चोला मंडलम के ऊपर, वायलेट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर इंश्योरेंस, ठीक है, तो हमें यहां से पढ़ना है किसके बारे में, IRDI के बारे में, तो अगर हम अगली साइड लें ये रहा IRDR क्या है भाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कब बनी थी आपकी, अगर हम देखें तो 1999 में बनी थी, और ये क्या है ऑटोनोमस बॉडी है, और साथ ही साथ स्टैचुरी बॉडी वो होती है जो कि किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनती है, गॉट इट, और इसमें इसका हेडक्वार्टर पहले क्या था, हैदराबाद था, अब कहां कर दिया शिफ्ट, दिल्ली में कर दिया, ठीक है, तो इसका ये लगना याद, मेकिंग और कौन सी बॉडी हो गई, स्टैचुरी बॉडी हो गई, और साथ में कितने मेंबर है, 10 मेंबर IRDI में मेंबर होते हैं, मेन फंक्शन है लुक आफ्टर द मैटर्स रिलेटेड टू द इंश्योरेंस, 10 मेंबर बॉडी इंक्लूड द चेयरमैन 5 फुल टाइम एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे 12 जनवरी की न्यूज के साथ।